नमस्कार, शरद पवार के गढ़ पर उद्धव ठाकरे की नजर। इन 48 लोकसभा सीटों की करेंगे समीक्षा, बनाया ए प्लान। शिवसेना में फाड़ के बाद उद्धव ठाकरे के लिए अगला चुनाव आसान नहीं रहने वाला है। महाविकास आघाड़ी में असफलता की आशंका है। ठाकरे गुट और कांग्रेस शरद पवार गुट के बिना चुनाव लड़ने की तैयारी में है। एबीपी माझा के छपी एक खबर के अनुसार उद्धव ठाकरे लोकसभा चुनाव की पृष्ठभूमि की समीक्षा करेंगे। 48 लोकसभा सीटों की कल से ठाकरे समूह समीक्षा करेगा। 16 से 19 अगस्त के बीच पहले चरण में कुल 16 लोकसभा क्षेत्रों की समीक्षा की जाएगी। अजीत पवार और शरद पवार की मुलाकात से महाविकास आघाड़ी में असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों की पृष्ठभूमि में कांग्रेस और शिवसेना ठाकरे समूह कल से अपनी अपनी पार्टियों की बैठकें करेंगे। ठाकरे समूह की बैठकों के पहले चरण में एनसीपी के गढ़ बारामती लोकसभा क्षेत्र की समीक्षा की गई है। 18 अगस्त को इसकी समीक्षा की जाएगी। धन्यवाद।